तो इधर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर जो है एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुकी है। सीमा हैदर के वकील ने उनकी पड़ोसी मिथिलेश भाटी को मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी है। दरअसल हाल ही में मिथिलेश का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो सीमा हैदर के पति सचिन मीणा को लप्पू और झिंगूर कह रही हैं। सीमा के वकील एपी सिंह ने कहा कि मिथिलेश भाटी ने सचिन के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी की है उसके लिए उन्हें देश के हर पति से प्रतिक्रिया मिलेगी। अब पूरे मामले में सचिन मीणा को झिंगूर और लप्पू बोलने वाली महिला के समर्थन में वकील उतर आए हैं। वकीलों की टीम मिथिलेश भाटी और गीता भाटी से मिलने पहुंचे। वकीलों का कहना है कि ग्रामीण परिवेश में झिंगूर और लप्पू जैसे शब्द जो हैं बोलना आम बात है। सचिन क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन। सचिन क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन। सचिन क्या है सचिन में? मांगे माफी, मैंने कोई गलती करी है? मैं गलती ना मान रही भैया अपनी। जब मैंने कोई विदिन 24 घंटे के अंदर उनके नोटिस का आप अपनी बात आखिर तक खड़ी रहे समर्थन दे आगे बढ़िए। मेरी तरफ से आपकी तरफ से क्या होगा? देखिए भैया वकील अंदर अंदर तो सचिन मीणा को दे देंगे, सीमा को दे देंगे। अगर आपके पास कोई नोटिस मांगे माफी, मैंने कोई गलती करी है? भैया ये तो अपना परिचय खुद ही देंगे। अच्छा एपी सिंह का ये कहना था कि आपने एक बार तो बोल दिया उनको जिस तरीके से सचिन को, आप बार बार आप अपने आप को हाईलाइट करने के लिए एक ही वर्ड हर चैनल को यूज कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप कानून का भी उल्लंघन कर रही हैं। भैया ना तो मैं ये मानती कि मैंने कानून का उल्लंघन किया है कहीं भी, ना मैं ये मानती कि क्या कह रहे हो बॉडी शेविंग फेविंग जो भी है हाँ वो करो, ना मैं ये मानती कि वो कह रहे हैं कि सोच समझ के टारगेट करके, क्यों मैं नॉर्मल में जो शब्द बोले आम भाषा में वो वायरल है, मीडिया बार बार दिखा रही है, मीडिया वाले बार बार बुलवा रहे हैं। तो मिस्टर एपी सिंह से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सबके ही खिलाफ भेजें सारे न्यूज चैनल। बहन जी जो है और किसान परिवार से है, इस क्षेत्र में ये आम भाषा है, अपने बच्चे को भी जो है लाड़ प्यार में कहा जाता है, झिंगूर भी कहते हैं, पतला भी कहते हैं, तो ये केवल एक मीडिया का षड्यंत्र बना के जो है ना एपी सिंह साहब प्रख्याति प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें हम किसी तरह से 1% भी घबराने की हमारी बिल्कुल मन नहीं है। बैठे में क्या निर्णय लिया गया आने वाले समय? हमने ये निर्णय लिया कि जैसे ही हमें नोटिस मिलेगा उसका जवाब देंगे, और ये लोग जो मेरे क्लाइंट का एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, भय में डाल रहे हैं, उसके खिलाफ हम इनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर